हे एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू प्लेलिस्ट। इसके अंदर हम देखेंगे पांडास के बारे में। एंड इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम यहाँ पर जो थ्योरी होगी उसको इतना इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर फोकस करेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम जब किसी भी कंपनी में यहाँ पर वर्क करते हैं तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। दैट्स वाई हम यहाँ पर फोकस करेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि पांडास क्या है एक्चुअल में। सो पांडास जो है ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है पाइथन की, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर एक पाइथन की लाइब्रेरी है। एंड ये क्या करती है यहाँ पर पांडास की, हमारे पास जो लाइब्रेरी है ये क्या करती है, हमारे पास लाइक यहाँ पर एक डेटा है, लाइक इस तरह से इसके अंदर डेटा हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। वो हमारे पास किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, सबको हम यहाँ पर देखेंगे आने वाली वीडियोज में। बट हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास ये एक रो डेटा है। तो यहाँ पर पांडास क्या करेगा, इस रो डेटा को यहाँ से फेच करके एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। अब डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम हमारा सिंपली यहाँ पर होता है एक टेबल की तरह, लाइक इस तरह से, जिसके अंदर हमारे पास इस तरह से रोज होती है लाइक दिस। एंड यहाँ पर इस तरह से कॉलम्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर पांडास क्या करेगा, इस रो डेटा को यहाँ से फेच करके इसको कन्वर्ट कर देगा एक डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम क्या है, एक टेबल हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं लाइक दिस, या फिर इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं डेटा फ्रेम। ओके, जब हम इस रो डेटा को यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे एक टेबल के अंदर, जिससे क्या होगा, हमारे पास कुछ भी ऑपरेशन हमको यहाँ पर परफॉर्म करना है, लाइक हमको कुछ भी मैनिपुलेशन यहाँ पर करना है, वो हम यहाँ पर इजी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर यूज करते हैं पांडास लाइब्रेरी का, ठीक है। एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास अगर कोई भी रो डेटा है उसके अंदर जो डेटा है वो हमारा अगर सारा न्यूमेरिक होता है तो हम उस न्यूमेरिक डेटा को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक उसके ऊपर जो भी मैनिपुलेशन है वो हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं बाई यूजिंग द नंपाई लाइब्रेरी। ओके, ये हम सारे जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर नंपाई लाइब्रेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। बट कंस्टेंट क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो डेटा है वो हमारे पास होगा न्यूमेरिक में, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड हमारे पास कुछ भी डेटा हो, लाइक वो हमारे पास इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी डेटा हो अगर हमको वहां पर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं पांडास लाइब्रेरी का। ओके, पांडास लाइब्रेरी क्या करता है, सिंपली हमारे पास किसी भी टाइप का डेटा हो उसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हम आसानी से करा सकते हैं। तो हमारे पास पांडास जो लाइब्रेरी है इसका ये सिंपल सा यहाँ पर काम होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक जो होता है वहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो वहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है सिंपली पिप इंस्टॉल, एंड यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे पांडास। अगर हमारे पास ये कमांड वर्क नहीं करती है जुपिटर के अंदर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पर लगा देंगे। एंड देन हम यहाँ पर करेंगे पिप इंस्टॉल एंड देन पांडास। तो हमारे पास ये जो कमांड है ये हमारे यहाँ पर वर्क करेगी। ये हमारा डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू द वर्जन, ठीक है। जितने भी हमारे पास यहाँ पर जुपिटर के वर्जन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी कमांड यहाँ पर चलने वाली है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द पांडास। ओके, एंड हमको कुछ भी यहाँ पर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है उसके लिए कौन सी हमारे पास यहाँ पर कमांड होगी वो हमारे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द जुपिटर नोटबुक वर्जन। ओके, अब हम क्या करते हैं इसको सिंपली हम यहाँ पर रन कराते हैं हमारे जुपिटर पर। तो हमारे पास एक जुपिटर नोटबुक है, ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं एंड इसका नेम हम यहाँ पर कर देते हैं सिंपली पांडाज। एंड देन इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं लाइक दिस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर एक पाइथन की फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पाइथन 3 पर। एंड देन हमारे पास यहाँ पर एक फाइल बन गई। एंड यहाँ पर हम इसको रीनेम कर देंगे एंड इसको हम यहाँ पर कर देंगे सिंपली पांडाज, ठीक है, लाइब्रेरी, दैट्स इट। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या है,
ये हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर हमारे पास जितनी भी कमांड हो सकती है, पाइथन का कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है, वो हम यहाँ पर सिंपली रन करा सकते हैं। ठीक है, एक जैसे कि हम एक नॉर्मल पाइचाप में करते हैं या फिर हम किसी भी एक पाइथन एडिटर में हम करते हैं, वैसे हम यहाँ पर इस तरह से रन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हमको इंस्टॉल करना है पांडाज को। तो यहाँ पर मैं करूँगा पिप इंस्टॉल पांडाज, एंड यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। लाइक पहला ऑप्शन क्या होता है, अगर हम यहाँ पर प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पर कंट्रोल जो है वो इसी सेल पर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर लाइक दिस, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारे पास जो कंट्रोल है वो कहाँ चला गया, नेक्स्ट सेल पर, हमको एक न्यू नेक्स्ट सेल यहाँ पर मिल गया इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमारे पास रन हो गया, एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज यहाँ पर जो पांडा जो लाइब्रेरी है वो मेरे सिस्टम में यहाँ पर पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं होगी तो वो आपके सिस्टम में यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा बाई यूजिंग दिस कमांड। ओके, देन इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, ये जो पांडाज हमारे पास लाइब्रेरी है इसको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है इस नोटबुक के अंदर। तो हम यहाँ पर सिंपली करेंगे इम्पोर्ट पांडाज। ठीक है, ये हमारे पास इम्पोर्ट हो गया। इम्पोर्ट हो गया मतलब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास आ गया 3। ओके, यहाँ पर 3 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से अब इसको यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पर एरर आएगी। ठीक है, क्यों एरर क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा मॉड्यूल नहीं है। तो भाई इसको हम वापस से यहाँ पर करते हैं पांडाज, एंड इसको हम यहाँ पर रन करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास एक चीज़ क्या होती है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर अगर कर दें एज पीडी लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास जो पांडाज है इसको अगर हमको यूज करना है इस नोटबुक के अंदर कहीं पर भी, लाइक पांडाज के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर फंक्शन है, उनको अगर हमको यूज करना है तो हम यहाँ पर पूरा पांडाज हमारे पास जो नेम है इसको ना लिखकर हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे पीडी। ओके, पीडी, या फिर हम इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर तो साहिल नेम दे सकता हूँ। ओके, तो हमारे पास पीडी के एक यूनिवर्सल यहाँ पर इसका एल आई से पांडाज का, जो कि हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपली इसको पीडी नेम देंगे, एंड देन पीडी के थ्रू हम यहाँ पर कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पर सिंपली परफॉर्म करा सकते हैं। ओके, तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास पांडाज क्या होता है, एंड देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक पांडा जो है वो क्या करता है बेसिकली, एंड किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं, एंड ये हमारे पास पूरी प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा बेस्ड हो गया हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर, क्योंकि थ्योरेटिकल जो है वो हमको कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो किस तरह से हमारे पास यहाँ पर चल रहा है, या फिर किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, रन हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम जो वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हम सभी इस प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर ये एक डेटा फ्रेम है, इसके अंदर कुछ डेटा है लाइक दिस। ठीक है, इस डेटा के अंदर से अगर हमको सपोज दैट पर्टिकुलर इतना डेटा हमको यहाँ पर चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर हमको ये 4 यहाँ पर जो सेल है ये हमको यहाँ पर चाहिए, तो हम किस तरह से इनको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे पांडाज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।